So today I'm going to revise history lesson Nazism in Germany. In this term, you are having two chapters of history, Nazism in Germany and Russia. And from civics, again, two chapters, electoral politics and working of institutions. We have done all. So today I'm going to revise lesson Nazism in Germany. This chapter starts with First World War. First World War started in 1914, ended in 1918. It was between Allied and Central Powers. Allied and Central Powers. So Allied Powers जो है ना वो है you should know, सबके आपके नाम पता होने चाहिए, countries पता होनी चाहिए Allied Powers की. Allied Powers UK. Listen carefully because इसको किया हुआ आपको बहुत देर हो गई है, तो listen carefully. Allied powers आपकी आ जाएंगी UK, France, US, Russia and USA. UK, France, Russia and USA. UK, France, Russia and USA. उधर आपकी आएंगी Central powers में Germany, Italy, Hungary, Austria, Turkey. ये सारी ऑटोमन एम्पायर, ये सारी आपके आएंगे सेंट्रल पावर्स. तो लाइट पावर्स यूके, फ्रांस, रशिया. रशिया जो कि लेनिन, आप रशियन रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा ही है कि लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917. इट मींस ये वार टू एंड टू 1918 में, तो रशिया ने ये पूरी वार नहीं लड़ी. तो आप बताओ कि यूके, फ्रांस, रशिया, USA, these are allied powers. Central powers, Germany, Italy, Austria, Hungary, Ottoman Empire. जो तो first world war जो थी ना, इसमें Germany जो था ना, we are doing chapter Nazism in Germany. तो पहले तो Nazism का meaning क्या? When Germany was under the control of Nazis, जब Germany Nazis के अंडर था, जर्मनी पे जब नाजिस का रूल था, तो उस पीरियड को कहा गया नाजिज्म इन जर्मनी. नाजी पार्टी थी, एक पॉलिटिकल पार्टी, नाजी पार्टी बनाई थी हिटलर ने. अर्लियर इट्स नेम वाज वर्कर्स पार्टी, लेटर हिटलर रीनेम्ड इट एज नाजी पार्टी. तो नाजिस का जो रूल जर्मनी में था, उसे कहा गया नाजिज्म इन जर्मनी. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914, एंडेड इन 1918. इन दिस वार जर्मनी जो था वो सेंट्रल पावर का पार्ट था, एंड जर्मनी वाज एट गुड पोजीशन. जर्मनी इस वार को जीत भी सकता था, बट जर्मनी अटैक द नेवल बेसिस ऑफ यूएसए. ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जर्मनी, एंड यूएस की एंट्री होगी इन दिस वार. तो जर्मनी गॉट डिफीटेड, जो जीत रहा था वो हारना शुरू हो गया. अब जर्मनी हार गया इस वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जर्मनी गॉट डिफीटेड इन दिस वार. तो जर्मनी जैसे ही हारा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वार में, इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, मे बी अलाइड पावर, मे बी सेंट्रल पावर, ऑल सफर्ड हैवी लॉसेस. सबको बहुत नुकसान हुए थे, चाहे वो अलाइड पावर्स थी, वो जीत भी गई, बट दे सफर्ड हैवी लॉसेस, उनको बहुत नुकसान हुए. तो ऑल द अलाइड पावर्स हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर, क्योंकि सबको नुकसान हुए, तो उन्होंने किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया? जर्मनी को. एंड दे डिसाइडेड टू डू देयर रिकवरी फ्रॉम जर्मनी. तो जर्मनी से उन्होंने रिकवरी करने का डिसीजन लिया. अब जब वॉर स्टार्ट हुई, तो रूलर केसर विलियम जो था, ही वॉज द रूलर ऑफ जर्मनी, उसने लोन वगैरह लेके वॉर लड़ी. बट जैसे ही जर्मनी वार में हारा, एज जर्मनी गॉट डिफीटेड, रूलर कैसर विलियम फ्लेड टू अदर कंट्री, वो किसी और कंट्री में भाग गया. अब जर्मनी में पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट वेमर. वेमर में इनकी मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री पार्टीज की वेमर में मीटिंग हुई, एंड इट डिसाइडेड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी ऑन फेडरल लाइन्स. पार्लियामेंट्री पार्टीज ने सोचा कि वो जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेंगे ऑन फेडरल लाइंस. फेडरल यू नो इट वेरी वेल, पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यू नो इट वेरी वेल.
parliamentary parties met at Weimar to frame the constitution for Germany on federal lines. तो क्योंकि वो वेमर में मिली तो उसका नाम पड़ गया वेमर रिपब्लिक. जगह थी वेमर, जैसे ट्रीटी वर्सेल्स में साइन हुई तो नाम पड़ गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. तो ये वेमर में मिली तो इसका नाम पड़ गया वेमर रिपब्लिक. अब जर्मनी में वेमर रिपब्लिक का रूल था आफ्टर रूलर केसर विलियम. तो जो वेमर रिपब्लिक थी ना, इट हैड टू साइन अ ट्रीटी ओवर सेल्स विद अलाइड पावर्स, क्योंकि अलाइड पावर्स ने सारी वार इंडेमनिटी जो भी था वो जर्मनी पे लगाया. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ जर्मनी ट्रीटी साइन किसने की? वेमर रिपब्लिक ने. वेमर रिपब्लिक हैड टू साइन द ट्रीटी ओवर सेल्स. अब ये जो ट्रीटी थी दैट वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी, इट वॉज डिसग्रेस ट्रीटी, ह्यूमिलेटिंग एक्ट मेड बाय वेमर रिपब्लिक. क्योंकि इस ट्रीटी की जो टर्म्स थी ना दैट वर नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी. अब इस ट्रीटी में सबसे पहले तो अलाइड पावर्स ने जर्मनी को फोर्स किया टू पे वार इंडेमनिटी, वार फाइन. आपको पता वो कितना था? 6 बिलियन पाउंड. जर्मनी हैड टू पे 6 बिलियन पाउंड एज वार फाइन. वार फाइन देना था उसको. सोचो कितना ज्यादा वार फाइन जर्मनी हैड टू पे टू द अलाइड पावर्स. और नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑफ जर्मनी वर आल्सो रिड्यूस्ड बाय अलाइड पावर्स. उन्होंने जर्मनी के सोल्जर्स का नंबर भी कम कर दिया. इट मीन्स जर्मनी में बहुत से सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, उनकी जॉब्स जा चुकी थी, क्योंकि अलाइड पावर्स ने नंबर ऑफ सोल्जर्स रिड्यूस कर दिए. अलाइड पावर्स ने जर्मनी के इंडस्ट्रियल टाउन सच एज राइन एंड रूहुड वो भी अपने अंडर कर लिए. राइन एंड रूहुड वर द इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ जर्मनी, वो भी अलाइड पावर्स के अंडर चले गए. नेक्स्ट, 13% ऑफ द एंड नेक्स्ट कॉलोनीज टेरिटरीज वो भी कौन ले गए? अलाइड पावर्स. जर्मनी की फ्यू टेरिटरीज एंड पॉपुलेशन, 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड ओवरसीज कॉलोनीज कौन ले गए? अलाइड पावर्स. तो इट मीन्स जर्मनी को इस, एंड आपको पता 26% कोल रिजर्व्स, 75% आयरन रिजर्व्स वर आल्सो टेकन बाय अलाइड पावर्स. इतना कुछ अलाइड पावर्स जर्मनी से छीन के ले गए. तो जर्मनी के जो लोग थे ना वो डिससेटिस्फाइड थे, डिसअपॉइंट हो गए ड्यू टू दिस ट्रीटी. एंड दे हेल्ड वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रीटी. लोग भड़क गए, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस ट्रीटी, क्योंकि सारी टर्म्स जो थी ह्यूमिलेटिंग थी, ह्यूमिलेटिंग एक्ट था. तो पीपल टर्न्ड अगेंस्ट वेमर रिपब्लिक, क्योंकि ये ट्रीटी साइन किसने की? ऑन द बिहाफ ऑफ जर्मनी, वेमर रिपब्लिक. वेमर रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन की थी, तो पीपल टर्न्ड अगेंस्ट वेमर रिपब्लिक. तो वेमर रिपब्लिक जो अभी अभी बनी थी, न्यूली बिल्ट थी, इट बिकेम अनपॉपुलर इन इट्स बिगनिंग. आते ही अनपॉपुलर हो गई. रीजन, फर्स्ट रीजन तो आपको ट्रीटी ओवर सेल्स, किसने ट्रीटी साइन की थी? दैट वॉज डिसग्रेस ट्रीटी एंड दैट टर्म्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी. तो दैट्स वाई पीपल टर्न्ड अगेंस्ट वेमर रिपब्लिक. तो लोग वेमर रिपब्लिक के अगेंस्ट हो गए. एक तो ट्रीटी मेन रीजन बनी उसकी अनपॉपुलरिटी का. फिर आप कहोगे कि वेमर रिपब्लिक जो थी ना, इट वॉज फाइनेंशियली क्रश्ड, पैसा ही नहीं था इसके पास. और वार फाइन कहाँ से देती? नो मनी, फाइनेंशियली क्रश्ड थी. वैसे भी रूलर केसर विलियम टुक लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इट ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड पे बैक इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड. तो दिस लेड टू द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी आल्सो गॉट डिप्लीटेड. कहीं ना कहीं जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स भी जो थे ना वो भी डिप्लीट होते जा रहे थे. फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ सोल्जर्स भी रिड्यूस हुए थे, तो सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके थे. वो भी वेमर रिपब्लिक की फेवर में नहीं थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लेके आई थी ये ट्रीटी जर्मनी में. नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आए. तो अमेरिका, जो यूरोप था,
अर्लियर इट वॉज यूरोप जो था वो क्रेडिटर से डेप्टर बना, यूरोप फ्रॉम क्रेडिटर बिकेम डेप्टर। ये जो यूके फ्रांस इनको बहुत लॉस हुए थे, इन्होंने पूरी वार लड़ी थी, सफर्ड हैवी लॉसेस। यूके नो डाउट, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ यूके इन दोज डेज। आपको ये मैंशन नहीं करना, मैं अपनी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ यूके। तो यूके ने कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया से की थी, तो और साथ में जर्मनी के ऊपर भी इतने फाइन लगाए थे यूके को, तो हर तरह। और यूके ने साथ में यूएसए से लोन भी लिया था जो कि बाद में वापस भी नहीं किया, तो तभी यूएस की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई थी। तो यहाँ पे हमें अभी इतना नहीं बताना, हम तो सिर्फ इतना बताएंगे वी आर डूइंग के व्हाई वेमर रिपब्लिक बिकेम अनपॉपुलर एंड इट्स बिगनिंग। तो हम कहेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस आल्सो केम इन जर्मनी एंड वेमर रिपब्लिक अनएबल टू सॉल्व दैम। जर्मनी तो वर्स्ट सफरर था ना इकोनॉमिक क्राइसिस जब आए, पूरे वर्ल्ड में आए, एंड जर्मनी वॉज वर्स्ट सफरर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो जर्मनी को तो वार फाइन भी देना था, तो जर्मनी वर्स्ट सफरर था इसमें। तो जर्मनी में करेंसी ऑफ वैल्यू जो थी केम डाउन इन ट्रिलियंस, नॉट इन बिलियंस, इन ट्रिलियंस। तो वेमर रिपब्लिक वॉज, एक तो हम कहेंगे फाइनेंशियली क्रश्ड, वेमर रिपब्लिक इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाई, फेलियर थी ये। तो ये सारी बातें वेमर रिपब्लिक को अनपॉपुलर करती जा रही। नेक्स्ट फिर हम कहेंगे लोगों का, ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई थी, एंड पीपल हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी। अभी तो ये न्यूली बिल्ट थी, लोगों को इसके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट्स दिखे, लोगों को वेमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से डिफेक्ट्स दिखे, तो लोग वेमर रिपब्लिक की फेवर में नहीं थे, वो तो डिक्टेटरशिप की फेवर में थे। एक तो ये भी हम बता दें, तो एक हम बताएंगे कि उधर से हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर, हिटलर जो था वो पॉपुलर होता जा रहा था। सो कहीं ना कहीं हम कहेंगे पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर बिकेम द मेन रीजन फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ वेमर रिपब्लिक, क्योंकि हिटलर पॉपुलर होता जा रहा था और वेमर रिपब्लिक अनपॉपुलर होती जा रही थी। तो ड्यू टू दिस रीजन वेमर रिपब्लिक बिकेम अनपॉपुलर इन इट्स बिगनिंग। फर्स्ट तो आप बताओगे कि ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो कि इसने 28 जून 1919 को साइन की थी, एक तो ये रीजन, उसके टर्म्स जर्मनी की फेवर में नहीं थी, तो लोगों ने वेमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया। फिर आप कहोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेके आई, बिकॉज वहां से इंडस्ट्रियल टाउन नहीं थे, अब वो भी लाइट पावर्स लेके जा चुकी थी, सोल्जर्स जो थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। फिर आप बताओगे फाइनेंशियली क्रश्ड थी, पैसा ही नहीं था टू पे वार फाइन, और साथ में गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी आल्सो गॉट डिप्लीटेड बिकॉज रूलर केसर वियम टुक लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड ही प्रॉमिस दैट आफ्टर वार ही वुड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो वेमर रिपब्लिक को गोल्ड की फॉर्म में वापस करना पड़ा लोन। नेक्स्ट हम बताएंगे कि वेमर रिपब्लिक के पीरियड में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो पूरे वर्ल्ड में आए थे, तो वेमर रिपब्लिक उसे सॉल्व नहीं कर पाई, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि उधर से हिटलर जो था ही वॉज बिकमिंग पॉपुलर, हिटलर पॉपुलर होता जा रहा था, पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर बिकेम द मेन रीजन फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ वेमर रिपब्लिक। कहीं ना कहीं वेमर रिपब्लिक जो थी वो अनपॉपुलर होती जा रही थी। फर्स्ट इज डिफाइन नाजिज्म, व्हेन जर्मनी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नाजिस, दैट इज नोन एज नाजिज्म। फिर हमने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई लाइड एंड सेंट्रल पावर्स में, फिर इस वार में जर्मनी जो था गॉट डिफीटेड एंड जर्मनी को अलाइड पावर्स ने जर्मनी के ऊपर बहुत से फाइन्स लगाए। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड बार फाइन देना था, और भी उन्होंने सबसे पहले तो रूलर ही वहां से भाग गया, एंड पार्लियामेंट्री पार्टीज जर्मनी में वेमर में मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फेडरल लाइंस पे, तो उसका नाम पड़ गया वेमर रिपब्लिक। अब वेमर रिपब्लिक को जर्मनी के बिहाफ पे अलाइड पावर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, वो थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अब ये जो ट्रीटी थी इसकी टर्म्स जो थी देवर नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी। तो वो क्या क्या टर्म्स थी मैंने अभी बताई हैं, कितना परसेंट आयरन, कितने परसेंट कोल रिजर्व्स, पॉपुलेशन, टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओवरसीज कॉलोनी, तो टेरिटरीज, वो सब कौन लगे, 13% ऑफ द टेरिटरीज कौन लगे अलाइड पावर्स। फिर राइन एंड रूहर उसके इंडस्ट्रियल टाउन,
फिर नंबर ऑफ सोल्जर्स रिड्यूस हुए, 6 बिलियन पाउंड वार फाइन देना था। तो इस वजह से, और साथ में आप बताओगे कि विम्बर रिपब्लिक ने, क्योंकि ये ट्रीटी साइन की थी तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि विम्बर रिपब्लिक ने ये डिसग्रेस ट्रीटी क्यों साइन की, तो दैट्स वाई ये आते ही अनपॉपुलर होना शुरू हो गई। उसकी अनपॉपुलरिटी का रीजन आप बताओगे, तो एक तो ट्रीटी ओवर सेल्स, फाइनेंशियली क्रश्ड, ठीक है, फिर आप बताओगे इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके पीरियड में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, डिफेक्ट्स इन विम्बर कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को बहुत से डिफेक्ट्स दिखे, पीपल हैड नो फेथ इन, आप कहोगे कि पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे वर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप, तो लोग इसके अगेंस्ट ही थे, ठीक। तो उधर से हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर, हिटलर पॉपुलर होता जा रहा था, तो ड्यू टू दीज रीजंस ये आते ही अनपॉपुलर हो गई। क्वेश्चन इज हिटलर कौन था, हु वाज हिटलर? हिटलर वॉज एन ऑर्डिनरी सोल्जर इन जर्मन आर्मी, एक पुअर फैमिली को बिलोंग करता था, उसका बर्थ ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ। हिटलर का बर्थ ऑस्ट्रिया में हुआ, जहाँ की आपको पता है मैरी एंटोइनेट, लुई 16 की जो वाइफ थी मैरी एंटोइनेट, शी वॉज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। तो हिटलर का बर्थ भी ऑस्ट्रिया का था एंड ही बिलोंग्ड टू वेरी पुअर फैमिली, 1889 में उसका बर्थ हुआ, बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करता था, एक पीजेंट का बेटा था, फार्मर का बेटा था। तो ही ज्वाइंट आर्मी ऑफ जर्मनी, एक ऑर्डिनरी सोल्जर के रूप में इसने ज्वाइन किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये एक सोल्जर था एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू लेग फ्रैक्चर, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो ये हॉस्पिटल में था हिटलर। तो हिटलर एक ऑर्डिनरी सोल्जर से कहाँ डिक्टेटर बन गया। अब जब हिटलर बाहर आया फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उसने आते ही देखा पुअर कंडीशन ऑफ जर्मनी, तो हिटलर ने आते ही बहुत से प्रोमिसेस किए लोगों के साथ, कि मेड, पहले तो उसने अपनी नाजी पार्टी बनाई, कि मेड ग्रेट प्रोमिसेस विद द पीपल ऑफ जर्मनी। तो उसने बहुत से प्रोमिसेस किए, वैसे भी हिटलर जो था ना, ही न्यू हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, ये भी एक उसमें टैलेंट था कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, उसे आता था लोगों को, जो एक अच्छे पॉलिटिशियन में क्वालिटीज होती है ना, वो सब थी उसमें, कि न्यू हाउ टू अट्रैक्ट पीपल। तो वैसे भी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, ही हैड गुड पर्सनैलिटी, ही न्यू हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, ही वॉज गुड स्पीकर, एक पॉलिटिशियन अच्छा स्पीकर होना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो हिटलर में ये सब कुछ था। तो एक तो ये बात उसकी पॉजिटिव हो गई, फिर ही मेड ग्रेट प्रोमिसेस, उसने बहुत से प्रोमिसेस किए विद द पीपल ऑफ जर्मनी, ही प्रोमिस दैट इफ पीपल वुड ब्रिंग हिम इन पावर, ही वुड टुक देम आउट ऑफ द डिस्ट्रेस सिचुएशन, वो उनको ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकाल देगा, ऐसे वाले प्रोमिसेस उसने क्या क्या कहा, दैट ही वुड डिनाउंस, वो ये वाली ट्रीटी को डिनाउंस मीन्स तोड़ देगा, इसकी टर्म्स को तोड़ देगा, कभी भी फॉलो नहीं करेगा। ही प्रॉमिस दैट ही वुड डिनाउंस द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसने कहा मैं ये सब टर्म्स तोड़ दूंगा, कोई वार फाइन नहीं दूंगा, मैं इंडस्ट्रियल टाउन वापस लेके आऊंगा, रिकंस्ट्रक्शन करूंगा जर्मनी के, ऐसे वाले सारे प्रोमिसेस किए। तो ही प्रॉमिस दैट ही वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो सोल्जर्स जो थे ना वो तो हिटलर के फॉलोअर हो गए, क्योंकि उसने कहा था कि उनको दोबारा जॉब्स देगा। तो यूथ ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग विम्बर रिपब्लिक, यूथ ऑफ जर्मनी वाज टर्निंग टुवर्ड्स क्राइम एज देयर वर नो जॉब्स, यूथ जो थी वो अपने गले में तख्तियां डाल के बैठते होते थे, गिव अस जॉब, वी आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, वो लोग जॉब्स मांगते थे कि हमें काम दे दो, हम कोई भी काम करेंगे। तो वो सारा दिन स्ट्रीट्स में ताश खेलते रहते, तो उनके पास काम नहीं था। तो यूथ जो थी दैट वाज टर्निंग टुवर्ड्स क्राइम, तो हिटलर प्रॉमिस दैट इफ ही वुड कम इन पावर, ही वुड गिव ब्राइट फ्यूचर टू द यूथ बाय गिविंग देम जॉब्स। तो यूथ भी हिटलर की फॉलोअर हो गई, सोल्जर्स हिटलर के फॉलोअर, लोग हिटलर के फॉलोअर हो गए बिकॉज ऑफ हिज प्रोमिसेस। तो पीपल कॉल्ड हिटलर मसीहा, मैसेंजर सेंट बाय गॉड, लोगों ने कहा कि ये तो मसीहा है। वैसे भी लोगों का फेथ किस पे था, डिक्टेटरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर दिखा हिटलर ने, उनको लगा कि यही हमारी कंट्री को प्रॉपर ट्रैक पे ला सकता है। तो उनको सारी क्वालिटीज जो एक लीडर में देखना चाहते थे ना, उन्हें सारी क्वालिटीज हिटलर में दिखी। पीपल वर इन सर्च ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर, दे सॉ ऑल द क्वालिटीज अमंग हिटलर। तो लोग कहीं ना कहीं हिटलर के फॉलोअर होते चले गए। उसे मसीहा कहा, मैसेंजर सेंट बाय गॉड कहा। तो लोगों को लगा कि यही हमें डिस्ट्रेस सिचुएशन में से बाहर निकालेगा। दैट्स वाई पीपल वर बिकमिंग फॉलोअर ऑफ हिटलर। एंड फिर हम कहेंगे अनपॉपुलैरिटी ऑफ विमर रिपब्लिक बिकेम द मेन रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर। उधर से विमर रिपब्लिक क्या होती जा रही थी? अनपॉपुलर, क्योंकि लोगों का विमर रिपब्लिक पे विश्वास नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन्हें हिटलर में वो सारी बातें दिखी जो वो एक लीडर में देखना चाहते थे। तो पीपल बिकेम फॉलोअर ऑफ हिटलर। इन दिस वे हिटलर बिकेम पॉपुलर। उसके प्रोमिस ने उसे पॉपुलर बनाया, और साथ में जो उसने लोगों के साथ, वो एक अच्छा हम कहेंगे पॉलिटिशियन था, गुड स्पीकर, हैविंग गुड पर्सनैलिटी, ही न्यू हाउ टू अट्रैक्ट पीपल। उसे लोगों को अट्रैक्ट करना भी आता था। तो ये सब कुछ लोगों ने हिटलर में देखा।